पर्यावरण के दिवस पर टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल के राजकीय आवास पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया गया। जिला प्रमुख का कहना है कि प्रकृति के बिगैर मानव जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में हो रहे प्रदूषण से लगातार प्रकृति के नुकसान को बचाए जाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम रखी जाती है। वर्ष 2023 की थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी आधुनिकता के दौर में हमें और हमारी प्रकृति को प्लास्टिक प्रदूषण पर केंद्रित करना है। इस कड़ी में भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक हमारे लिए व पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है, जिससे जीवों के अस्तित्व को खतरा पैदा होता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को जिला प्रमुख ने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई। जिला प्रमुख ने कहा कि दुनिया में हर साल 40 करोड़ टन कचरे का इस्तेमाल होता है और यह कचरा हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। इसलिए स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद सदस्य नरेश बंसल, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, महामंत्री महिला मोर्चा अंजलि गुप्ता, आईटी सेल के संयोजक लोकेश गुप्ता, आवाज दो की प्रमुख अंजना चौधरी, हेड कांस्टेबल हेमराज चौधरी व उनकी टीम, नर्सिंग छात्रावास के छात्र छात्राएं, योग प्रशिक्षक मदनलाल गुर्जर तथा दादू दयाल पर्यावरण संस्थान के संयोजक महावीर मीणा आदि उपस्थित रहे। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष चौधरी की रिपोर्ट।